गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में शाम से स्टार्ट कर रही हूँ एंड आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, सो ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। इधर पर मैंने सारे वेजिटेबल्स लिया है, कैप्सिकम, बीन्स एंड ग्रीन चिली। इधर पर मैंने वॉश करके रख दिया है, इसको मैं सबसे पहले थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। देन इधर पर आलू एंड पास्ता को मैंने बॉयल कर रखा है, आप लोग देख सकते हो। आई थिंक फोकस नहीं करेगी वन सेकेंड। एंड इधर पे ही आपका टमाटर एंड प्याज मैंने रख दिया है, वन सेकेंड मैं अच्छे से निकालने की कोशिश करती हूँ। इधर पे लिया है टमाटर एंड प्याज, तो चलिए मैं एक एक करके फ्राई कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं प्याज को डाल दूंगी इसके अंदर। आज मैं थोड़ी सी ग्रेवी रखने वाली हूँ, ये देसी पास्ता है लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। सो ये देखिए मेरी पास्ता, तो चलिए मैं बैक कैमरा ऑन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए सो ये ग्रेवी थोड़ी सी और थिक हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे और 2-3 मिनट पकने में ही पास्ता भी बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो जाएंगे एंड ग्रेवी भी थिक हो जाएंगे। सो चलिए इसको मैं उतार के देन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो ही गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल एंड आज मैं शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ मेरी वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले मैं मेरे रूम पे जाती हूँ, देन आप लोगों से बातें करती हूँ, ठीक है। पूरा अंधेरा है, मेरे रैबिट को भी मैंने केज के अंदर डाल दिया है, तो अब दोपहर से मुझे थोड़ी सी भी टाइम नहीं मिल पाई थी कि मैं आप लोगों के साथ बातें करूं, तो फटाक से मैं फ्री हुई, रेडी हुई एंड आप लोगों के सामने आ चुकी हूं, क्योंकि आज मुझे शाम में थोड़ी सी बाहर भी जानी है। अभी फ़िलहाल तो 7 बज रहे हैं, 7:30 बजे मैं निकलूँगी मेरे लिए नेल पॉलिश खरीदने के लिए, क्योंकि एक कलर की नेल पॉलिश अगर मैं बार बार पहनती हूँ तो मैं बोर लगती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है फील। तो बहुत सारे कलर्स है बट एक बार अगर पहन लो तो वो नेक्स्ट टाइम फिर से पहनने के लिए मन नहीं होता है, तो फिर
से आज मैं कॉस्मेटिक्स की कुछ चीज़ें भी मुझे खरीदने के लिए जाना है एंड उस बहाने में मैं थोड़ी सी घूम भी लूँगी बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर तो मुझे जाना ही है, कई चीज़ें वगैरह तो खरीदने जाना ही है, लेकिन स्पेशल जो चीज़ें वो है आज मेरी घूमने का थोड़ी सी मन हो रही है, क्योंकि बाहर तो रोज़ ही निकल रही है लेकिन कुछ ना कुछ काम से, तो मैं सोच रही हूँ आज थोड़ी सी बाहर में घूम फिर के आओ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं बाहर में घूमने के लिए नहीं गई हूँ, इसलिए माइंड थोड़ी सी ऐसे लग रहा है चलो एक बार घूम के आऊँ। एंड गाइस बहुत ही अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, आई नो आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं, अगर न्यूज़ चैनल आप लोग देखते हो वेस्ट बंगाल कोलकाता में, जैसे कि कुछ सालों पहले आयला तूफान आई थी आयला, तो उसी तरीके से फिर आने वाली है फोनी, उड़ीसा से आने वाली है, तो सो हर एक न्यूज़ चैनल में दिखा रही है आज रात से स्टार्ट होने वाली है फोनी। कोलकाता में भी कह रही है बहुत तेज़ से बारिश आने वाली है, तूफान आने वाली है बहुत ही जोरों की, जैसे कि आयला आप लोगों को पता होंगे, अगर नहीं पता है तो गूगल में सर्च कर लीजिए। सो इस बार जो तूफान आने वाली है उसका नाम है फोनी, तो बहुत ही स्केर्ड हो, तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, सो बहुत ही टेंशन में है हम लोग, तो देखते हैं क्या होती है वेस्ट बंगाल में। तो कल से बारिश स्टार्ट हो जाएंगे न्यूज़ चैनल में तो यही बता रही है, आई डोंट नो कितना क्या हो, जो भी होगा बहुत ही भयानक होने वाली है, तो देखते हैं क्या होती है। तो फिलहाल तो मैं जाने वाली हूँ। एंड गाइस सुबह के टाइम में एक जगह पर मैं गई थी, मैं आप लोगों को इसके बाद में वीडियो क्लिप दिखाऊंगी, तो जिधर पर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उस जगह पर मैं गई थी, जगह पर मैं गई थी, सो वो वीडियो क्लिप थोड़ी सी मैंने ले रखी है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो हमारे घर के सामने भी नहीं है, दूर में भी नहीं है, आसपास में ही, तो मैं गई थी उधर पे, तो मिट्टी की कुछ चीज़ें भी मुझे लेनी थी, किस तरीके से बनाते हैं वो भी मैं देख रही थी उधर पे जाके, तो वो वीडियो मैं आप लोगों को आगे चल के मैं दिखाने वाली हूँ। एंड गाइस थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, हमेशा अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच, इसलिए भी और ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। अगर आप लोग देखेंगे, पहले तो मैं ज़्यादा उतना वीडियोस शेयर करती थी वीक में दो तीन वीडियोस, लेकिन अभी जो है आप लोगों के प्यार की वजह से मैं एवरी डे एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पसंद होती है। मुझे भी ऐसे लगता है अगर मैं कैमरा के सामने आके बात ना करूँ तो मुझे भी थोड़ी सी कुछ अजीब सी लगती है, अधूरा सा लगती है, जैसे कि सुबह से आज मैं थोड़ी सी भी बात नहीं कर पाई थी, तो तभी से मुझे ऐसा फील हो रहा है, बस आप लोगों के साथ बात नहीं हुई थी तो सुबह से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, लेकिन हाथ में जब भी मैं मोबाइल उठा लेती हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए तो माइंड में एक जो तसल्ली हो जाती है चलो आप लोगों से बात हो गई। तो चलिए अभी तो मैं जाऊँगी बाहर में, हो सके तो आप लोगों के साथ भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ चिक्स को हैंड फिटिंग के लिए उठाने वाली हूँ बजीज के, तो वो तो मैं कल की वीडियो में शेयर करूँगी। सो मैं कल जो है मेरी कुछ बजीज के चिक्स को हैंड फिटिंग के लिए उठाने वाली हूँ, वो क्या रीज़न है सब कुछ मैं कल के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए सुबह के टाइम हो रहे हैं करीब करीब 8:30-9:30 और मैं जिधर पे जा रही हूँ आप लोग देखिए बिल्कुल गांव जैसे फीलिंग आ रही है थोड़ी बहुत। तो हमारे घर से 15-20 मिनट के भी डिस्टेंस नहीं है, इधर पे सारे मिट्टी की चीज़ें बनाया जाता है, तो मुझे जो चाहिए मैं देखती हूँ इधर पे मिलती है या फिर नहीं। तो चलिए वाओ ये सब कुछ मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, आप लोग देख सकते हो मिट्टी की चीज़ें, चाय की जो भाड़ होती है मिट्टी की वो बना रही है एंड स्मेल इसकी कितना अच्छा आ रहा है मैं क्या बताऊँ। सो ये देखिए तो मेरा ये फर्स्ट टाइम की फीलिंग है, मुझे कभी भी इस तरीके का मिट्टी की चीज़ें बनाना कभी भी मैंने सामने से नहीं देखा है। तो गुड्डू आमार साथे चले एसेछे गो। सो उधर से आने के टाइम में मैं ये मिट्टी की जो भाड़ होती है वो मैं लाई हूँ, सो उसके साथ साथ मैं दूध भी खरीद के लेके आई हूँ क्योंकि मुझे दही बनाना है, और मिट्टी के भाड़ में बिल्कुल ही जो मिठाई की दुकान होती है वैसे सेम टू सेम दही में बना पाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज मैं 1.5 लीटर दूध की मैं दही बनाने वाली हूँ, इसलिए गैस के ऊपर दूध मैंने चढ़ा दिया है। सो फाइनली मैं रेडी कर चुकी हूँ, जब हो जाएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वेदर देखिए गाइस कितना अंधेरा हो रहा है। सो शाम पे मैं बाहर आई हूँ एंड आप लोग देख सकते हो कोलकाता स्पेशल मिठाई, घर के लिए मैं कुछ मिठाई भी ले रही हूँ अभी।
बाहर से आते वक्त मैंने पापड़ी चाट भी लेके आई हूँ, बहुत ही यम्मी खाने में है। आप लोग अगर खाए हो तो आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है।